दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों की वेबसाइट ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाया हुआ है, वेबसाइट मींस ब्लॉग वेबसाइट एक ही बात है, ब्लॉगर पे बनाया हुआ है, कस्टम डोमेन ऐड की हुई है, मींस कोई और ब्लॉग स्पॉट को रिमूव करके या नहीं की हुई, दोनों कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपने ट्रैफिक लेनी है। क्योंकि मेन इशू यही आता है कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, हमें जो है ना वो ट्रैफिक आती है, ना ही हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई 20 से 25 आर्टिकल, 15 आर्टिकल लिखो, फिर उसके लिए गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अर्निंग भी कर सकते हैं और ट्रैफिक भी गेन कर सकते हैं। बहुत ही आसान ईजी मेथड है अगर आप इस पर वर्क करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा में जाने वाले, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, कहने चैनल पर पहली बार विजिट कर तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कोई भी बिगनर आता है ना इंटरनेट की मार्केटिंग में, तो वो सुनता है वेबसाइट वेबसाइट, तो जो उसे जो वीडियोज़ मिलती हैं वो ज़्यादातर मिलती हैं ब्लॉगर पे, कि लोग ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं। ये नहीं कह रहा क्योंकि वो फ्री होस्टिंग है, बहुत अच्छी है और वो उसकी स्पीड भी अच्छी है। अगर आप लोग चेक करें गूगल इनसाइट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो है ना वो ट्रैफिक भी अच्छी आती है, मेरे ख्याल में अदर होस्टिंग जितनी भी है ना उससे अच्छी है ब्लॉगर की। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो लोग इस पर मीन्स वर्क नहीं करना चाहते। लेकिन इसकी जो कस्टम डोमेन लोग ऐड करते हैं तो इससे एक वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो किस तरह से ट्रैफिक गेन करनी है और किस तरह से इसी ब्लॉगर बनी हुई वेबसाइट से आपने अर्निंग करनी है विदाउट एडसेंस। एडसेंस क्योंकि एडसेंस की काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज हो गई हैं और इन दिनों में एडसेंस का अप्रूवल लेना मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत, क्योंकि गूगल एडसेंस आपको कभी लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे देता है और भी काफ़ी सारे होते हैं कि पेजेस नहीं ठीक नहीं है, मेन्यूज़ ठीक नहीं है, तो लोग रिसर्च करते रहते हैं लेकिन अप्रूवल नहीं मिलता। तो बेस्ट वे कौन सा है? अफिलिएट मार्केटिंग। अब वेट कीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ज्वाइन करना है जस्ट अमेजन, अमेजन को ज्वाइन कीजिएगा। आप कस्टम डोमेन होना नेसेसरी है, चाहे आप .xy लेते हैं, .com लेते हैं, .net लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो कस्टम डोमेन एक अथॉरिटी बढ़ जाती है। अब सपोज करें मैंने एक लैपटॉप बाय करना है, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग या फॉर टीचर्स, कुछ भी सर्च करूँगा, तो अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आती है तो उसकी डोमेन जो है ना वो blogspot.com है। क्या मैं सर्च करूँगा? आप अपनी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप ऐसी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो आपको कस्टम डोमेन ले लेनी चाहिए और इसकी प्राइस जो है ना वो 160 रुपये भी गोडैडी से भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो है वो जब एक साल बढ़ जाता है तो उसकी पेमेंट जो है ना वो बढ़ जाती है, लेकिन अक्सर यूट्यूबर आपको नहीं बताते क्योंकि पेमेंट इसकी बढ़ती है। तो नेमचीप बेस्ट है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये एक अफिलिएट लिंक है, अगर आप बाय करते तो मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। तो आप कस्टम डोमेन ऐड करें और इससे आर्टिकल भी लिखें, और इसके अलावा होस्टिंग के प्लेटफॉर्म है जैसे कि होस्टिंगर हो गया और भी काफ़ी सारे, तो यहाँ पर आप बैनर्स भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो है ना वो थीम कोशिश करें एक अच्छा सा थीम जो है ना वो लगाएं। ये नहीं कि आप ब्लॉगर ब्लॉगर का भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कोई अच्छा अगर बाय करना चाहते डेफिनेटली कीजिएगा। लेकिन मेन इशू जो है वो कि भाई वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से लाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें जो भी निश से रिलेटेड है, लेकिन आप सर्च करें ब्लॉग प्रमोशन, ब्लॉग शेयर, लिंक शेयर, आपको फेसबुक पे ग्रुप्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने यूज़ करना है कोरा पे, कोरा पे आपको स्पेसेज मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो भी ब्लॉगर मीन्स ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो medium.com को यूज़ करते हैं, कोरा को भी यूज़ करते हैं। तो कोरा को यूज़ कीजिएगा, वहाँ से भी आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। आप आंसर करें क्योंकि कोरा एक क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है, लेकिन आपने अपनी निश से रिलेटेड जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी कैटेगरीज है, आपने अपना स्पेस बनाना है, मीन्स आप कम्युनिटी बनाएं, तो वहाँ पर आप डेली बेसिस पर अपने लिंक शेयर करें, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक अच्छी खासी मिल सकती है। अगर आप लोग वर्क करते हैं तो आपको डेफिनेटली ऐसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।